माहेश्वरी, आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस को डिस्कस किया। आज हम डिग्री ऑफ हार्डनेस को डिस्कस करेंगे। हार्डनेस को एज अ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कंसिडर करते हैं। हम एज अ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में क्यों हम कंसिडर करते हैं, इसके क्या है, दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला है नंबर वन, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा है इट्स इनसॉल्युबिलिटी। ये आपके दो पॉइंट है। एक तो है कि कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट या हम कहें मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 100 है, और इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 है। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया और इक्विवेलेंट वेट 50 आ गया, जो कैलकुलेशन को इजी करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, इनसॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये वाटर ट्रीटमेंट में इजीली क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। इन दोनों रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, एज ए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम क्या कंसिडर करते हैं, हार्डनेस को कंसिडर करते हैं। नाउ फॉर्मूला जो हार्डनेस को हम कैलकुलेट करते हैं, या हम कहें हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को जो हम कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मूले से करते हैं, हार्डनेस इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू टू डिवाइडेड बाय 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। या हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आए, इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एक्सेट्रा। ये क्या है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, जिसका हम या तो हम पीपीएम में लेते हैं या एमजी पर लीटर में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है हार्डनेस को कैलकुलेट करने का, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कहां से आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये फॉर्मूला है कि हमने हार्डनेस के जो फॉर्मूले में हमने पढ़ा था, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आधा कहां से है, यही आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू डिवाइडेड बाय 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर for different salts are tabulated in this table. ये जो table है multiplication factor के calculation की काफ़ी important है, आज हम इसको discuss करेंगे। First column में salt, salt का मतलब है ये आपका है hardness producing substance, next column its molecular weight, next column equivalent weight, और लास्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। रो में मेंशन है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट आयन, OH आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट 0.7H2O,
एच प्लस आयन एंड HCl। अब मॉलिकुलर वेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने एग्जांपल ले रखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एलिमेंट के एटॉमिक वेट से हम मॉलिकुलर वेट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन इसके एलिमेंट हो गए। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, 40 × 1 = 40, क्योंकि कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है × 2, 2 हमने इसलिए किया है क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, = 2 हो गया। कार्बन 24 कैसे आया, विद इन ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है 12 × 2, 12 इसका एटॉमिक वेट है, × 2 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 96 कैसे आया, विद इन ब्रैकेट 16 × 3 × 2, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट × 3, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, × 2 क्योंकि इसका होल ट्वाइस है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96। तो टोटल मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर है 40 + 2 + 24 + 96 = 162। तो ये आपका हो गया मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 162। इस टाइप से हमें सभी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के मॉलिकुलर वेट को हम इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन। यदि मोलर मास या मॉलिकुलर वेट को वैलेंसी से यदि डिवाइड कर दे तो निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। तो मोनोसोडियम सॉल्ट के लिए है कैसे इक्वल हुआ, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जाते हैं मोनोवेलेंट सॉल्ट के लिए, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एच प्लस आयन का मोलर मास 1 है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी 1 है, तो हम एज ए फार्मूला कैलकुलेट करते हैं एच प्लस आयन का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास 1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये दोनों ही इक्वल है। तो ये आपका हो गया मोनोवेलेंट सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास। हम यहाँ पर टेबल पे देख लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 61 है, और केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी इक्वल है, कितना है, 61। इसी टाइप से OH आयन का क्या है आपका, 17 मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू आपका इक्विवेलेंट वेट, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी टाइप से सोडियम एल्यूमिनेट भी आपका क्या हो गया, 82 मॉलिक्यूलर वेट, और इसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी कितना है, 82 है। H प्लस आयन का 1 और केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी 1 है, और HCl का है मॉलिकुलर वेट 36.5 = 36.5, इसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट है। अब मोनोवेलेंट सॉल्ट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसके लिए फॉर्मूला हो गया 100 / 2 × मोलर मास। एग्जांपल हमने लिया है OH- आयन का, OH- आयन इक्वल्स टू 100 / 2 × 17। 17 क्या है, इसका मोलर मास है, या हम कहें इक्विवेलेंट वेट, दोनों ही इक्वल है। 70 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन 100/34। तो यहाँ पर है OH- आयन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया, 100/34। इसी टाइप से जितने भी मोनोवेलेंट सॉल्ट है हम उसका कैलकुलेशन हम इसी टाइप से करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 134 डिवाइडेड बाय वैलेंसी,
तो यहाँ पर है 134 डिवाइडेड बाय 6। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 हो गए इंटू 2। 2 हमने इसे किया है क्योंकि एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आया है 6 है, तो 3 इंटू 6 से आया है। 342 को यदि हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, जो कि आपका है 57। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 57, तो ये निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100 अपॉन 100। 14 जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है। इस टाइप से सभी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। ये टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से, और स्टूडेंट मोनोवेलेंट सॉल्ट और ट्राइवेलेंट सॉल्ट जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन का एक तरीका है ताकि न्यूमेरिकल करते समय कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें। और ये जितनी भी टेबल आने वाले वीडियोस में जितनी भी टेबल है हम इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा यूनिट्स ऑफ हार्डनेस का।